हल्द्वानी की, जहां पर रेरा एक्ट के खिलाफ लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर कि आज सैकड़ों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सड़क पर उतर आए और किसान रैली निकालकर रेरा एक्ट के खिलाफ सरकार को जमकर घेरा। प्रशासन के प्रति अपना विरोध भी जाहिर करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हल्द्वानी मंडी के पास ही किसानों के ट्रैक्टर को रोक दिया। इसी दौरान किसानों की पुलिस के और मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के बीच में नोक झोंक देखने को मिली है। बताने की लगभग 3 घंटे में भी ज़्यादा किसान मंडी के पास खड़े रहे और रैली निकालने की बात कहते रहे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसी दौरान किसानों के साथ कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश और तमाम कांग्रेसी भी उनके समर्थन में पहुंच गए, जिसके बाद तमाम किसानों ने नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एशिया देश में नंबर एक देश है, यहाँ का टूरिस्ट बहुत अच्छा टूरिस्ट आता है और सरकार की भी इनकम अच्छी है, लेकिन आज किसान के साथ में इस तरह के व्यवहार किया जा रहा है कि रेरा के अंडर में किसान को लाया जा रहा है। लेकिन घोर निंदा है जो किसानों को यहाँ पर गुलाम की तरह रोका गया। हमारी जो अभी तक हम यही बैठेंगे, फिर जैसा तीन पानी में रोक दिया गया, काला डूंगी रोक दिया गया और आज यहाँ पर भी कम से 400-500 ट्रैक्टर मंडी के अंदर और बाहर खड़ा है, तो हमें इसलिए हम यहाँ पर फिर धरने पे बैठ गए। अब आगे जो भी निर्णय होगा उसके हाथ में आगे। देखिए, शासन प्रशासन ने इतनी बेतुकी, आप ये जो तुगलकी फरमाई कर रहा है उसके बाद सीधे मुंह भारत तैयार नहीं, उसके बाद किसानों को और जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है भारत की घुसपैठी का जो काम कर रहे हैं उन्हें भूमाफिया का उनको उपाधि दी जा रही है। ध्यान है वो अपनी बेटा बेटी आदि की जमीन बेचना चाहता है तो उसके लिए 20 फीट की 30 रोड छोड़ने का इन्होंने लगा रहे हैं, जो कि अति ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हम उत्तराखंड सरकार के माध्यम से दादू ऐसा है, हमारे जो है रोडों में चलने के लिए नहीं है, हाईवे में चलने के लिए नहीं बने हैं, तो बने बने हैं। एम साहिब महोदय ने आया है तो आपके ट्रैक्टर रोडों में नहीं चल सकते हैं। गरीब किसान रोड हाईवे टाइम से हाईवे में आए, इसको चलाने के लिए मना कर दिया है, हम क्या क्यों चले? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे उस वर्कशॉप में आएगा और जो कहीं मानक में भी अगर इनको ये लगता है कि नहीं छोटे किसान हैं और इनके लिए मानक में परिवर्तन होना चाहिए तो निश्चित ही उसमें भी प्रस्ताव बना के आगे इसमें शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। इसका दिन चुना था तो हमने कहा प्रशासन जहां भी हमसे कहेगा ब्रेक कर दो, हम वहीं से अपने आंदोलन की समाप्ति कर देंगे, वहीं से ब्रेक कर देंगे, अगली रणनीति हम शुरू करेंगे। पर हमारे बीच भैया अगर हमें दबाया जाएगा तो हम इन अधिकारियों के लिए बस एक बात कहना चाहूंगा, तुम लाख कोशिश कर लो हमें दबाने की, तुम लाख कोशिश कर लो हमें दबाने की, हम भी जाए हमें आ जाए फिर से उग जाने की।